हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके डार्क सर्कल्स हो गए हैं, रिंकल्स हो गए हैं या आप भी फाइन लाइन से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस पैक जिसको यूज़ करने से आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है, आज हम जो सामान यूज़ करेंगे ये फेस पैक बनाने के लिए, वो हमारे घर पर हमेशा अवेलेबल रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं आप वीडियो बना रही हूँ तो आप तक तो सबसे पहले पहुँचनी चाहिए, तो उसके लिए बेल बटन को भी क्लिक कर लें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस फेस पैक को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, उसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून कर्ड या फिर दही। जो दही होता है वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और साथ ही साथ हमारी जो स्किन है उसमें बहुत ही सुंदर सा निखार लाता है। जो दूसरी चीज़ हमने यहाँ यूज़ की है वो है टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर। हल्दी जो है हमारी स्किन के टेक्सचर को मेंटेन रखती है और साथ ही साथ हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाती है। और जो तीसरी चीज़ है जो कि हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है वो है टोमेटो या टमाटर। इसका हमको 1 टीस्पून जूस चाहिए, या तो आप जूस पहले भी निकाल कर रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे मिक्स कर सकते हैं। अब इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि हमारा एक फाइन पेस्ट बनके, एक स्मूथ पेस्ट बनके तैयार ना हो जाए। जो टर्मरिक हमने यहाँ यूज़ किया है, हल्दी पाउडर जो यूज़ किया है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं उसको कम करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। और साथ ही साथ जो हल्दी होती है वो हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है। तो ये हमारी स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। वैसे तो ये फेस मास्क हर स्किन टाइप के लिए यूजफुल होता है, लेकिन आप रेगुलर यूज़ करने से पहले इसका एक पैच टेस्ट करके देख लें। उसके बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें पहले, फिर अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने फेस पैक को अपने आईज़ के नीचे अप्लाई करें। मैं यहाँ फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको ब्रश की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करें तो इसको थोड़ा आईज से दूर रखें, क्योंकि इसमें टर्मरिक यूज हो सकता है कि आप जो टर्मरिक यूज़ किए वो आपके आईज में इरिटेशन करे। यहाँ मैंने अपनी आईज के नीचे इसको अप्लाई कर लिया है। अब हमको इसको 15 मिनट्स के लिए रखना है और फिर उसके बाद कोल्ड वाटर से इसको वॉश कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इसको केवल कोल्ड वाटर से वॉश करना है, हमें सोप का या फिर फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसको पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमने अपने फेस पैक को प्रिपेयर किया और कैसे अप्लाई किया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हल्दी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो आप हल्दी को अपनी डेली डाइट में ऐड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर्स पानी इंटेक कीजिए, पानी पीजिए, हेल्दी फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए और एक प्रॉपर नींद लीजिए। कम से कम आपको 8 आवर्स की नींद लेना ज़रूरी है। और इस मास्क को आप डेली यूज़ कीजिए जब तक कि आपके डार्क सर्कल्स कम ना हो जाएं। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, जो आपके रिंकल्स हैं, बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।